मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू डीसी बाइकर चैनल। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और बिंदास हैं। तो आज हम डायरेक्ट रोड से स्टार्ट कर रहे हैं और खाली रोड है, और आज हम कवर करेंगे बेंगलोर से कोची, जो कि 545 किलोमीटर रास्ता है। और आप बेंगलोर में ये जो देख रहे हो ना खाली रोड, बहुत कम मिलेगा आपको, इसीलिए सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि आज रोड खाली है और मैं आराम से बेंगलोर को क्रॉस कर सकता हूं। नहीं तो बेंगलोर आपको पता है, रोड ट्रैफिक में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें लंदन पहले नंबर पर ट्रैफिक में, और दूसरे नंबर पर बेंगलोर है, जो कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर आप कवर कर पाओगे। तो चलो ज्यादा समय ना बिताते हुए हम अपने ब्लॉग पे आते हैं और निकलते हैं। ऑलमोस्ट मॉर्निंग से 45 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। रास्ता काफी खूबसूरत है, एकदम अच्छा है, मतलब खाली रोड है, मौसम भी सुहावना है, और ये येलो कलर की पट्टियां पड़ी हुई हैं। और मैं अपनी बाइक साइड में चला रहा हूँ, राइट साइड से वो देखो कार कितनी तेज गई है हवा में उड़ाती हुई। तो मैं अपना साइड से आराम से मस्त जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी काली पट्टियाँ डाली हुई हैं, ये पूरी टायर को खा जाती हैं। लेफ्ट साइड में देखो कुछ तो हो रखा है, ये बाइक पड़ी है, स्कूटी पड़ी है, गाड़ी बदली हुई पड़ी है, ट्रक ठोके हुए पड़े हैं। तो भाई सीधा सा सिंपल एक ही सवाल लोगों की समझ में नहीं आता, प्यार से चलाओ। जब इतने बड़े हाईवे पर लोग एक्सीडेंट कर सकते हैं, तो भाई नॉर्मल राइड में तो होता नहीं, आप सभी को पता ही होगा। नॉर्मल राइड करोगे आप तो अपने बड़े प्यार से निकल जाओगे, लेकिन ये जो टर्न मारना, ट्विस्ट मारना, कार को घुसा देना ट्रक के आगे, ओके ट्रक को आंख बंद करके लेफ्ट मार देना, ये सब उनकी वजह से होते हैं। तो रूल फॉलो करो, प्यार से चलाओ, मिरर में देख के चलाओ, तो आराम से चलते रहोगे। उल्टे सीधे काटोगे तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो दुर्घटना से देर भली वाला वो सही है, फिर भी कह नहीं सकते, जो होना है वो होना ही है। लेकिन हम अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहिए, अपनी तरीके से बेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है, लोग बोल देते हैं कि ओवर स्पीडिंग से ही एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, रोड किस प्रकार की है, वेदर कैसा है, आप पूरे सोए या नहीं सोए, गाड़ी में कितना टायर में हवा कितनी थी, बकलिंग तो नहीं थी, गाड़ी के ब्रेक कैसे थे, चलने से पहले चेक किए या नहीं चेक किए, सर्विसिंग टाइम पर हुई या नहीं हुई, और मतलब सर्विसिंग भी नहीं कराओगे तो उसका भी बहुत सारे सीन होते हैं, बाइक्स के ब्रेक डाउन बहुत आता है। तो रोड गीली तो नहीं थी, बारिश तो नहीं आ रही थी, ह्यूमन एरर तो नहीं थी, दारू तो नहीं पी रखी थी किसी ने, तो रोड एक्सीडेंट के बहुत सारे चीज़ें होती है, जिसमें से 70% आपका ऑलमोस्ट ओवर स्पीडिंग कवर करता है। उसके अलावा फिर ह्यूमन एरर, जो कि आप नींद में रहते हो, साइड में ले लेते हो, ये सब होते हैं। तो रोड एक्सीडेंट पर आज मेरे को इतना ही कवर करना था, और अभी हम पेट्रोल टॉप अप करा लेते हैं अपनी, और उसके बाद आगे चलेंगे। पेट्रोल अभी पेट्रोल करा लेते हैं फुल, फिर खा लेते हैं खाना। भैया फुल कर दो यार, फुल। यस यस सर। नहीं पेट्रोल, पेट्रोल मनी फोन पे, फोन पे है, स्कैनर कार्ड, कार्ड वर्किंग नहीं, फुल फुल कर दो। कैश नहीं, वो स्कैनर वर्कर नहीं, मोबाइल टूट गया है, स्कैन वर्किंग नहीं, प्रॉब्लम सर्वर प्रॉब्लम। अरे तो कार्ड तो काम करेगा ना, चेक तो करो यार, डाल क्यों नहीं रहे, जियो वालों ने मना किया है। ब्रेकफास्ट मिलता है क्या? ब्रेकफास्ट बड़ा ही अजीब बंदा है, पता नहीं करना नहीं आता कार्ड का या क्या सीन है, पैसे पेट्रोल नहीं दे रहा था। खाना अच्छा नहीं बोलो, रेस्टोरेंट ये अच्छा नहीं देता, अच्छा नहीं देता, तुम जाओ, मेरे से प्रॉब्लम नहीं, तुम जाओ, थोड़ा अच्छा नहीं अच्छा। ओके ठीक है, थैंक यू बॉस। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो चुका है, इसमें सर्वना भवन में, साउथ का बेस्ट है सर्वना भवन,
जहाँ भी जाओ सरवना में रुको, प्योर वेज खाना मिलेगा। जो कोई सोचता हो तो इधर खाना कैसे मैनेज करते हो तो यू कैन ट्राई इट सरवना भवन, कभी भी आओ हर वक्त मिलेगा। सुबह के 8:49 हो चुके हैं, 8:50 पे निकल लेंगे, पेट पूजा हो गई है। 200 किलोमीटर से नीचे रोकेंगे नहीं, अब 482 हो रखा है। मजा क्या बोलते हो, फिर चलाऊं आराम से चलाऊं। मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं, ये जो साइड में। तो अभी हम घुस गए हैं घाट वाले एरिया में। ये घाट वाला एरिया थोड़ा डेंजरस है, पुलिस रहती है हर वक्त, स्पीड लिमिट दे रखी है 30, तेज नहीं चलाने का। ओह माय गॉड, वो बंदर अटैक करेगा क्या? इधर से क्या पैसे लिए जा रहे हैं, चेकिंग की जा रही है, समझ में नहीं आ रहा भाई। कुछ तो है, पुलिस बहुत है इधर। एक्सीडेंट प्रोन एरिया है घाट वाला एरिया, तो जब भी यहाँ पे चल रहा है थोड़ा ध्यान से चलाएं मित्रों। ये कौन सी बाइक है यार, बनेली? और अभी तो ऐसा, अगर जब बारिश होती है ना तो उस टाइम पे तो अलग ही माहौल बनता है इसका। पिछली बार भी जब मैं यहाँ से गया था तो मैंने यहाँ पे बाइक रोकी थी आगे ले जाके वो थार पे, और काफी देर बैठा रहा था। तो सच में काफी खूबसूरत जगह है, देख रहे हो क्या व्यू आता है यहाँ पे, लवली भाई। ओ माय गॉड, तमिलनाडु की बहुत ही खूबसूरत जगह है। क्या गिरे फेंक दिया तुमने ऑटो में से, तो जब पिछली बार रोका था तो यहाँ पे कहीं उतार के रोकी थी बाइक, जहाँ पे एक चाय की टपरी भी थी शायद, लाजवाब हो रही चाय की टपरी। आ गई ना, मैं वही तो बोल रहा था, यहीं पर रोकी थी, लेकिन आज चाय नहीं पियेंगे। To defend, is it the risk and adventure or the comfort of routine? How can fear dominate when I challenge what's unseen? Why not? When questions rise like fire and answers feel so far, in the battlefield of thoughts, it's easy to find who you are. Why not? When angels are hard to see. Sorry? Where are you going? Where are you going? I'm going to Kochi. Kochi, okay. How about you? Sorry? We are going Idukki. Idukki? So where are you coming from? We are from Bangalore. Bangalore, okay. I am from UP. UP, okay. You are directly from UP? No. I have started in August 22. Oh. Almost 2 years. Oh. You have done the K2? K2 I done 3 times. So that's my best route. Okay. So you are coming... Now coming from Hampi. Yeah? Hampi. Okay. So coming February, I am going down there. So you came to February in Bangalore? Yeah. You came in Bangalore in February? Yeah. Now going back to hometown? Now we are going for Idukki. Like... Vagaman? Property is there. So we are going there and after that in the Kodaikanal, then back to Bangalore. Okay. Okay, see you. Nice meeting you. Bye. Okay. Wireless boy of Kerala, don't worry. Okay brother, catch up later. Thank you ma'am. ये तो नहीं है यार, ये तो कुछ और ही है भैया। ये रुचि सोया रेस्टोरेंट किधर है? रुचि सोया रेस्टोरेंट।
छोड़ो। ये शायद कहीं हम गलत जगह घुस गए। चलो टोड़ी पे इधर ही लगाएंगे बहन की चांद पल्ले बनिया के फिर खाएंगे। ओ बोले नाथ आगे देखो काली पहाड़ियाँ। वाट है लवली रोड, खूबसूरत रोड, काला हो रखा है एकदम। लेफ्ट में देखो नारियल का पेड़। गाना याद आ गया, मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ सेरा वाली जगदम्बे। तो वही मतलब एकदम लाजवाब यार, क्या खूबसूरत है, क्या जर्नी भाई, क्या जर्नी, मजा आ गया। बाइक चल रही है, मौसम बहुत शानदार हो रखा है, खूबसूरत। और आप बता सकते हो कौन सा स्टेट है? अभी कर्नाटका बहुत पीछे रह चुका है, अभी हम तमिलनाडु में एंट्री कर चुके हैं। एकदम शानदार लाजवाब वाइब्स आ रही हैं भाई। थोड़ा ही दूर रह गया है कोची, देखो जल्दी पहुंच जाएंगे। That's where I find the key. How do I find myself in the echoes of my mind? Is it the fear of failing or the courage to be kind? I believe in exploring the new life waiting there. In every risk I'm taking, I find the strength to care. In every doubt and question, there's a path to something more. I'll face the fear, I'll challenge it and open every door. Why not? When questions rise like fire and answers feel so far, in the battlefield of thoughts, it's easy to find who you are. Why not? When angels are hard to see, but the truth is in the journey. बड़ी मजेदार सुरंग है भैया, ये चैन की चुक चुक की आवाज आ रही है, हल्की सी लगता है चैन में। क्लीनिंग और ऑयलिंग करनी पड़ेगी। अभी तो 97 किलोमीटर बचा हुआ है कोची, और हम वापस केरला में आ चुके हैं। केरला की सुरंग का नाम देखो, सारे केरला वाले बताएंगे हमें यहाँ से एग्जिट कैसे करना है और करना किधर है। अगर जो एग्जिट करना भी है तो क्यों और क्यों करना है। ओके वापस जाना है। ओह माय गॉड, व्हाट अ लवली, क्या साउंड है, बोले ना बाहर का नज़ारा देखो। बारिश होती तो और मज़ा आ रहा होता ना। वेलकम बैक टू केरला हबीबी। तो अभी हम केरला पहुंच गए हैं, और ये कुछ इरिगेशन डिपार्टमेंट या किसका कुछ तो लिखा हुआ है इस ब्रिज के ऊपर, मेरे को क्लियर नहीं है, बट है कुछ केरला रिलेटेड ही। बहुत खूबसूरत है, रात में बहुत प्यारा चमकता है, आगे का व्यू एकदम लाजवाब है। तो चलो अभी कोची 60-70 किलोमीटर बाकी है मेरे पास, तो चलो उधर की तरफ रफ्तार बढ़ाते हैं बाइक की। भाई आगे का वो नज़ारा देखो, रोड बड़ा मज़ा आया। कोची से ही स्टार्ट की थी और कोची भाग आया ओ इसलिए पता नहीं, केरला से बहुत प्यार हो गया भाई। तो चलो आप लोगों को अगर वीडियो देखी हो तो मज़ा आ रहा होगा। 540 किलोमीटर बाइक चल गई आज, 540 से ऊपर ही चल गई है 8 आवर्स 9 आवर्स में। सोच रहा ही है 60 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से, वो बहुत है एवरेज, और क्या चाहिए। ये शहर भी अब यहाँ पर कितना तेज चलाएगा, ऐसे भी पड़ता है बीच में खाने के लिए रुको, रेस्ट के लिए रुको, बाइक को रेस्ट दो, खुद को रेस्ट दो, सारी चीज़ें बनती हैं। तो हमने अपनी ट्रिप भैया कोची से स्टार्ट की थी और कोची ही पहुँच गए। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, हो गई है ट्रिप कम्प्लीट, और बड़ा मज़ा आया ट्रिप में। थकान बहुत हुई, कुत्ते खा गए, पानी में डुबो दे रहे थे, वो इम्पोर्टेंट था कुत्ते खाने वाला, वहाँ ज़िंदगी बच गई। चलो अब जो होगा देखा जाएगा, इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो ये बता दें आपको ट्रिप में, ये देखो गाड़ी कहाँ रोक रखी है भैया, ये थोड़ी रोकने की जगह है, ले जाओ अपनी को, सिंगल रूट है। चलो शायद ख़राब हो गई होगी। तो आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा भाई वीडियो में। कुत्ते वाली बात पर हंसना मत, किसी को भी काट सकता है वो, जानवर आदमी है, सॉरी जानवर है आदमी नहीं।
तो कुत्ता किसी को भी काट सकता है, और जिसको पिटबुल काटेगा वो बहुत पावरफुल होता है भाई, नानी याद दिला देगा। क्लोज कॉल्स मत लिया कर भाई। अब आगे ये गाड़ी कौन चला रहा है, लड़का चला रहा है लड़की चला रहा है, यहाँ पता नहीं चलता है। तो ट्रिप कंप्लीट हो गई है, बोलो हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी को मज़ा आया होगा, और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और कुछ अगर जो सजेशन और सुझाव और टिप्स हो मेरे लिए तो वो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी और उसमें हम आपको दिखाएंगे रॉयल एनफील्ड की वन राइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।